इस वर्चुअल वर्ग की प्रॉब्लम में अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर दो लिंक है ए बी एंड बी सी। दोनों लिंक पॉइंट बी पर एक पिन जॉइंट से कनेक्टेड है। पॉइंट ए जो है वो भी एक पिन जॉइंट है, बट पॉइंट सी जो है वो एक रोलर जॉइंट है जो कि इस सरफेस के ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। पॉइंट सी पे एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है एंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कोफिशिएंट 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर गिवन है। क्वेश्चन में यह भी बताया है कि द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन ए बी एंड बी सी आर हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि गिवन कंडीशन में सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और अगर हम इस सिस्टम को शुरुआत से सोचें कि ये सिस्टम इस पोजीशन में कैसे आया होगा, सो वी कैन थिंक कि इनिशियली ऐसा रहा होगा कि ये जो दोनों लिंक है ये स्ट्रेट रही होगी। यहां पर पॉइंट ए होगा जो एक पिन जॉइंट रहा होगा। शुरुआत में स्प्रिंग इस तरह से कनेक्ट होगी विथ ए रोलर पॉइंट, लेकिन स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल कंडीशन में है। एंड सपोज करिए कि अब मैंने यहां पर एक 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और जैसे ही मैं 600 न्यूटन का फोर्स इस सिस्टम पे लगाऊंगा, ये दोनों लिंक और या ये पॉइंट बी नीचे आने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे पॉइंट नीचे की तरफ आता जाएगा, सी पॉइंट, क्योंकि सी पॉइंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही मूव कर सकता है, वो पीछे आता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्प्रिंग के कारण जो फोर्स पॉइंट सी को राइट डायरेक्शन में पुल कर रहा है और 600 न्यूटन का फोर्स जो पॉइंट बी को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे पूछा है कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब पहले हमको समझना होगा, तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को देखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में हमेशा तीन बातों को ध्यान रखो। पहली चीज ये कि आपको सिस्टम को वर्चुअली डिस्प्लेस करना है। जब सिस्टम को वर्चुअली डिस्प्लेस करोगे उसकी वजह से सारे पॉइंट में मोशन होगा। अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो इस प्रॉब्लम का जो गिवन कॉन्फिगरेशन है उसमें सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम की ये पोजिशन हमें गिवन है। जो पॉइंट सी है वो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर सकता है, और नाउ आई हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के अकॉर्डिंग आप सिस्टम को वर्चुअली डिस्प्लेस करिए, लेकिन आपको हमेशा सिस्टम को जब भी वर्चुअली डिस्प्लेस करना है सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स फॉलो करना है। सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स का मतलब है पॉइंट सी को आप ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकते, पॉइंट सी केवल राइट या लेफ्ट में जा सकता है। जो पॉइंट ए है वो कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि वो एक पिन जॉइंट है, और पॉइंट बी जो है वो पॉइंट बी अकॉर्डिंग टू योर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कहीं भी जा सकता है। देन उसके बाद जो वैल्यू ऑफ ये थीटा की वैल्यू है, जब हम इस पॉइंट को राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो डेफिनेटली ये जो थीटा है ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। तो अगर मैं इस सिस्टम को वर्चुअली डिस्प्लेस करता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं इस रोलर को राइट साइड में मूव करूं या लेफ्ट साइड में मूव करूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरे पास ऑप्शन तो ये भी है कि मैं इस बी पॉइंट को यहां ले आऊं या यहां ले आऊं। मेरे पास ऑप्शन ये भी है कि मैं इस लिंक को ऊपर की तरफ बेंड कर दूं या नीचे की तरफ मोड़ दूं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि अगर आप थीटा को यहां चेंज करोगे तो सी में कोई चेंज नहीं होगा, या सी को यहां चेंज करोगे तो बी में कोई चेंज नहीं होगा। ये सारे मोशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ एक है, और इस सिस्टम का एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहां से थीटा को चेंज कर रहे हैं या यहां से सी को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके जब अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरे जो लिंक हैं या दूसरे जो पॉइंट्स है वो मूव कर जाएंगे। तो इस केस में अगर हम सिस्टम को ऐसा समझें कि सिस्टम का इनिशियल कॉन्फिगरेशन ये है, और मैं अब इस सिस्टम पॉइंट सी से एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, तो जिससे पहले कि मैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दूं इस सिस्टम का एक फ्री बॉडी डायग्राम हम समझ लें कि यहां पर एक 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहां पर भी दो रिएक्शन लग रहे हैं क्योंकि हमने जॉइंट ए को अगर हटाया है और वो एक पिन जॉइंट है तो यहां पर दो रिएक्शन होगी। सपोज ये रिएक्शन R1 और R2 है। पॉइंट सी जो था उस पर एक स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, वो के डेल है, और हमें पता चल चुका है कि अगर हमें डेल कैलकुलेट करना है तो हमें ये वाला इनिशियल कंडीशन को सोचना होगा जहां पर द क्वेश्चन सेइंग कि इनिशियली ये दोनों रॉड हॉरिजॉन्टल थी, तब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड थी जब हमने 600 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जब सिस्टम ने थीटा वाली पोजीशन अचीव कर ली वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया। सो दैट मीन्स दिस वैल्यू, ये जो डिफ्लेक्शन है ये आपका एक डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग का शुरुआत में। सो अगर मैं ये फोर्स यहाँ पर के डेल लिख रहा हूं तो डेल की वैल्यू मुझे इस कॉन्फिगरेशन को ध्यान में रखकर कैलकुलेट करनी होगी। और यहां अगर मैं देखूं तो शुरुआत में जब दोनों लिंक स्ट्रेट रही होगी तो टोटल लेंथ 2a रही होगी, और जब ये पोजीशन चेंज करके यहां पर आ गया तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपका 2a cos थीटा हो गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही मेरा स्प्रिंग का इनिशियल डिफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया है। तो अभी अगर मैं किसी स्प्रिंग की प्रॉब्लम को वर्चुअल वर्क से सॉल्व करता हूं तो पहले मैं क्या करता हूं, स्प्रिंग वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद में वर्चुअल वर्क अप्लाई करता हूं, मतलब उसके बाद में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपने सिस्टम को देता हूं। नाउ मैंने जब सिस्टम को वर्चुअली डिस्प्लेस करना है सो आई हैव टू चॉइस। व्हाट टू चॉइसेस? मैं इस सी पॉइंट को आगे की तरफ मूव कर दूं या मैं इस सी पॉइंट को पीछे की तरफ मूव कर दूं। दूसरी तरह से सोचूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं इस रॉड को जो अभी इनिशियली थीटा डिफ्लेक्टेड है अंदर की तरफ डेल थीटा से डिफ्लेक्ट कर दूं या बाहर की तरफ डेल थीटा से डिफ्लेक्ट कर दूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बट नॉर्मली क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम थीटा की बजाय जो हमारे पास रोलर जॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो एक कंस्ट्रेंट पोजीशन में मूव करता है, हम उसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देते हैं। इस केस में अगर मैं सी पॉइंट को यहां लेकर आता हूं तो मैंने सी पॉइंट को एक डेल एक्स सी का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और मुझे पता है कि ये लेंथ a ही रहना है, ये लेंथ भी a ही रहना है, तो b पॉइंट जो मेरा है वो इस पोजीशन को छोड़कर किसी नई पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि ये मेरा नया पोजीशन हो गया पॉइंट b का, सो दिस इज माय b पॉइंट। अगर मैं देखूं कि b पॉइंट ने कितना मूव किया तो जैसे ही c पॉइंट यहां से मूव करके यहां आया, b पॉइंट नीचे की तरफ भी गया और लेफ्ट में भी गया। सो b के मोशन को अगर मैं लिखूं तो बेसिकली आई कैन राइट दैट डेल वाई बी एज वेल एज डेल एक्स बी। दैट मीन्स बी के दो मोशन हो रहे हैं, सी का एक मोशन हो रहा है, और ए पॉइंट कंस्ट्रेंट पॉइंट है जो कहीं नहीं जा सकता, इसलिए इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो वर्चुअल वर्क में हम अगर फिर से थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने चेक किया कि सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हैं, उसके बाद हमने सिस्टम में एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया, लेकिन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देने से पहले हमने इस स्प्रिंग फोर्स को कन्वर्ट कर लिया एक फोर्स में लुकिंग दी कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में लिखा था कि स्ट्रेट रॉड स्प्रिंग में अनस्ट्रेच्ड है, और जब हमने एक फोर्स लगाया 600 न्यूटन का तो स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेचिंग हो गई। अब उसके बाद हमने एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को अभी हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमने उन्हें डिफाइन कर लिया कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स सी है, और यहां दो डिफ्लेक्शन है डेल वाई बी और डेल एक्स बी। अगर मैं अब वर्चुअल टोटल वर्चुअल वर्क डन की कंडीशन लिखूं तो यहां पर दो फोर्स हैं जिन्होंने वर्क किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो फोर्स हैं ये मेरे एक्टिव फोर्स है, और ये जो दो फोर्स हैं R1 और R2 ये एक्टिव फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स मेरी वर्क की इक्वेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट A कंस्टेंट पॉइंट था और मैं कंस्टेंट पॉइंट को मूव नहीं कर सकता। ये मेरा हमेशा वर्चुअल डन की कंडीशन में रहता है कि आपका सिस्टम जो होता है वो वैसे ही मूव कर सकता है जो वो खुद को अलाउ कर रहा है, जो नेचुरल वे में उसमें चेंज होना पॉसिबिलिटी है। इस केस में सी पॉइंट हॉरिजॉन्टल चेन में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर सकता था, सी के अकॉर्डिंग बी मूव कर सकता था, ये दोनों रॉड में एक रोटेशन हो सकता था, बट पॉइंट ए कहीं नहीं जा सकता था। नाउ अगर मैं टोटल वर्चुअल वर्क डन लिखता हूं तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन क्या होगा? एक तो पॉइंट सी को हम लोग देखें कि सी पॉइंट ने मूव किया है और सी पर एक फोर्स लग रहा था। जब हम टोटल वर्चुअल वर्क डन लिखते हैं तो हम वही पॉइंट कंसीडर करते हैं जहां फोर्स लग रहा था। इस केस में सी पॉइंट पे एक फोर्स था के डेल, और सी पॉइंट ने जो मूव किया वो कितना किया? डेल्टा एक्स सी से पीछे लेफ्ट में मूव किया। सेकेंड जो हमारा फोर्स था वो 600 न्यूटन का था, लेकिन 600 न्यूटन वाला जो पॉइंट था उसके मोशन को मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 600 डेल वाई बी, साथ ही मैं लिख सकता हूं मैं 600 डेल एक्स बी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 600 डेल एक्स बी मैं लिख रहा हूं इसको आप देखो कि यहां पर फोर्स की डायरेक्शन तो है डाउनवर्ड, लेकिन मेरा जो वर्चुअल डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट में है। मतलब अगर मैं फोर्स की बेसिक इक्वेशन देखूं तो बेसिक इक्वेशन होती है एफ डॉट डी और एफ डी कॉस थीटा। यहां पर थीटा एंगल होता है फोर्स और डिफ्लेक्शन के बीच में या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहां फोर्स डाउनवर्ड है, डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा तो ये जो टर्म है पूरी जीरो हो जाएगी। मतलब ये जो टर्म है एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम रिकॉल करें तो एक प्रॉब्लम हम बोलते हैं कि अगर कोई एक रेलवे स्टेशन पे कुली है और वो सर पे अपना सामान रखकर अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो बताओ ग्रेविटेशन के कारण कितना वर्क डन हुआ। दैट टाइम वी से कि ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन कुली अगर सामान सर पे रखकर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन और द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर और कोई वर्क डन नहीं होगा। तो यहां पर ये वर्क डन वैलिड नहीं है, सिर्फ दो वर्क डन वैलिड है, एक है 600 इंटू डेल वाई बी और दूसरा के डेल इंटू डेल एक्स सी। अगला इंपॉर्टेंट काम होता है इन दोनों वर्क के लिए साइन डिसाइड करना। साइन मतलब हमें यहां देखना है, यू शुड ऑलवेज कंसिडर कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है और आपने जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया है उसका डायरेक्शन क्या है। इस केस में मैंने पॉइंट सी को लेफ्ट में मूव किया है और मेरा फोर्स जो है वो राइट में लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस फिलॉसफी को भी देखूं तो यहां थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी, इसलिए फोर्स नेगेटिव होना चाहिए। तो आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन हियर। सिमिलरली अगर मैं 600 न्यूटन के फोर्स का वर्क डन देखता हूं तो 600 का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डेल वाई भी जो वर्चुअली मैंने कंसिडर किया है वो भी डाउनवर्ड है, तो ये फोर्स पॉजिटिव होगा। नाउ यू मे थिंक कि अगर मैं दूसरा वाला वर्चुअल डिफ्लेक्शन देता तब तो ये साइन उल्टा हो जाता, सो यू शुड नॉट वरी। अगर मैं पॉइंट सी को लेफ्ट की बजाय राइट की तरफ वर्चुअली डिस्प्लेस करता तो ये जो पूरा कॉन्फिगरेशन होता उसमें पॉइंट बी नीचे आने की बजाय कहीं ऊपर चला जाता। जैसे हम देखें कि ये पॉइंट सी यहां आने की बजाय अगर यहां कहीं आता तो ये जो पूरा सिस्टम था ना ये मूव करके कुछ ऐसा बन जाता, और उस केस में जो पॉइंट बी था ये नीचे जाने की बजाय कुछ ऊपर की तरफ मूव करता। उस केस में अगर मैं फिर से ये इक्वेशन लिखता तो यहां पर 600 वाला नेगेटिव हो जाता क्योंकि वो नीचे लग रहा था और पॉइंट बी ऊपर जाता, और के डेल वाला पॉजिटिव हो जाता। तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन में क्या होता, पॉजिटिव नेगेटिव साइन एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते, बट साइन की जो नेचर रिलेटिव नेचर है वो हमेशा अपोजिट ही बना रहता। एक बार जब हमने वर्चुअल वर्क की इक्वेशन लिख दी तो उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द एक्चुअल वर्क, दिस इज अ वर्चुअल वर्क। हमने ऐसा एज्यूम किया कि अगर मैं सिस्टम को बहुत ही एक छोटा सा वेरिएशन दे दूं जिससे अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो उसकी वजह से जो जितने भी फोर्स लग रहे थे वो ऐसा कुछ वर्क करेंगे, और ये हमने दिया नहीं है इसलिए मैं इसको 0 पुट कर दूंगा। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें ये वाला फोर्स स्प्रिंग के कारण है, ये वाला एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, और ये दो वैल्यू है जो पूरी इक्वेशन, दिस इज माय कंप्लीट इक्वेशन। अब क्या करें, अब अगर हम फिर से सोचें कि ये दोनों वैल्यू का कोई रिलेशन होना चाहिए। वी नो कि सिस्टम हैज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम और मैं किसी भी पॉइंट के मोशन को थीटा की टर्म में लिख सकता हूं, तो यहां भी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो रॉड थी इसने मान लीजिए कि एक डेल थीटा का रोटेशन किया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली तो ये थीटा से डिफ्लेक्टेड थी, लेकिन जब मैंने एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सी पॉइंट को दिया तो मैंने बी के लिए भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है बताई, तो मैं रॉड के रोटेशन को भी एक डेल थीटा की टर्म से डिफाइन कर सकता हूं। एक बार डेल थीटा को डिफाइन करने के बाद अब मैं जो स्टेप आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा ही काम आती है। आपको अगर ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, आप फिर से सिस्टम का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है। मतलब कि मैं फिर से ये वाले फिगर को ही लाइन की टर्म में ड्रॉ कर रहा हूं। इसको बनाने के बाद ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अगर आप आपकी इक्वेशन देखो तो आपको डेल एक्स सी चाहिए, मतलब सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसका क्या वेरिएशन हुआ वर्चुअल वर्क की वजह से वो चाहिए। सिमिलरली आपको बी पॉइंट का वर्टिकल डायरेक्शन का वेरिएशन चाहिए, तो आप बी पॉइंट और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज पर योर रिक्वायरमेंट यहां लिख लीजिए। मुझे एक्स सी चाहिए और मुझे वाई बी चाहिए। एक्स सी क्या होगा, मुझे ए की वैल्यू पता है, ए इज द लेंथ ऑफ दिस बार। मुझे थीटा की वैल्यू अननोन है बट इट इज थीटा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है मुझे पता है कि ये 2a कॉस थीटा के बराबर है। ऐसे ही अगर मैं B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो A के रिस्पेक्ट में, हाँ यहां ये भी ध्यान रखना है कि हमने A के रिस्पेक्ट में ही कोऑर्डिनेट क्यों निकाले, हमने A के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट इसलिए निकाले क्योंकि जो A पॉइंट है वो मेरा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद भी कहीं नहीं जा रहा है। जो A पॉइंट था वो कंस्ट्रेंट पॉइंट है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो तो आप उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिखोगे जो आपका कंस्ट्रेंट पॉइंट है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद भी कहीं नहीं जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा ए साइन थीटा हो जाएगा, तो ये वाई बी हो गया ए साइन थीटा। इसके बाद हमें पता है कि हमने क्या किया, हमने इस सी पॉइंट को जिसका कोऑर्डिनेट पहले 2a cos थीटा था उसे एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देके कुछ नई पोजीशन पे दे दी, तो ये जो नई पोजीशन आई ये इसका एक स्मॉल वेरिएशन है, और ये स्मॉल वेरिएशन हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो ये जो डेल एक्स सी आपका निकल के आएगा वो बन जाएगा माइनस 2a साइन थीटा डेल थीटा। जैसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही ये डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहां पर हम एक डेल थीटा टर्म लिख देते हैं। वैसे ही अगर मैं वाई बी का डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास डेल वाई बी निकल के आ जाएगा और उसका वैल्यू होगा ए कॉस थीटा डेल थीटा। जब ये दोनों वैल्यू निकल के आ गई, ये इक्वेशन पहले से ही हमारे पास है, तो अब हमारा जॉब क्या रहेगा कि ये वैल्यू उठाकर हमें इस इक्वेशन में रखना। बट अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आप देखो तो मैंने यहां पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन लगाया। कैसे लगाया? मैंने देखा कि ये फोर्स राइटवर्ड था, डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड था, तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी मेरे फोर्सेस के कारण जो वर्क डन हो रहा है उसका नेचर डिफाइन कर दिया है। अगर मैं अपनी एक नेचर्स को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं तो जब ये वैल्यू अगर मैं यहां फिर से रखूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये मेरी फिलॉसफी को ब्रीच कर देगा। इसका मतलब मेरी जो मेथोडोलॉजी है इसमें मैं अगर यहां पर साइन दे रहा हूं तो इस साइन को मैं यूज नहीं करूंगा, या फिर मैं यहां कोई साइन नहीं दूंगा, मैं इनको सबको पॉजिटिव लिखूंगा और मेरे डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको एज इट इज पुट कर दूंगा। बट इसमें कई बार गलत हो जाता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों गलत हो जाता है। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप क्या करिए, आप साइन पहले यहां डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद जब ये टर्म आती है इसकी सिर्फ मॉड वैल्यू को उठाकर आप इसमें रखिए, कोई साइन मत रखिए। हो सकता है आपके प्रॉब्लम में एक दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, कितने भी फोर्स लग रहे हो, कितने भी टर्म्स का आपने कोऑर्डिनेट निकाले हो, डिफरेंशियल किया हो, आप हमेशा आपके साइन जो है वर्क की इक्वेशन में लगा दीजिए और ये सिर्फ मॉड वैल्यू को उठाकर आप आपकी इक्वेशन में रखिए। तो मैं अगर ये मॉड वैल्यू उठा के मेरी इक्वेशन में रखता हूं तो मेरी इक्वेशन जो टोटल वर्क डन डेल डब्ल्यू है जो जीरो है वो हो जाएगा माइनस के। डेल्टा में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं क्योंकि डेल्टा जो था इनिशियली स्प्रिंग इतनी डिफ्लेक्ट हो चुकी थी उसके बाद ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम आया था, तो मैं यहां पर इसको 2a माइनस 2a कॉस थीटा लिख देता हूं, तो ये वैल्यू 2a माइनस 2a कॉस थीटा हो गई। उसके बाद मुझे इस इक्वेशन में डेल एक्स सी लिखना है। ये वाला डेल मैं बार बार जो कह रहा हूं ये एक कैपिटल डेल है और ये बेसिकली मेरा स्मॉल डेल और डेल्टा है। तो ये जो स्मॉल डेल्टा एक्स सी मुझे लिखना है ये वैल्यू 2a साइन थीटा डेल्टा रहेगी, नेगेटिव में यूज नहीं करने वाला हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 2a साइन थीटा डेल थीटा। जब मैं सेकंड वाली टर्म में 600 के साथ डेल वाई बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा प्लस 600 और a कॉस थीटा डेल थीटा। ये दोनों टर्म जीरो के इक्वल है। अगर मैं यहां देखता हूं तो ये डेल थीटा कॉमन हो निकल के जीरो में चला जाएगा और मेरी पूरी जो इक्वेशन है उसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं आसानी से थीटा वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इफ आई रीअरेंज इट माय इक्वेशन विल बिकम माइनस, आई विल पुट के ऑन द अदर साइड, तो इट विल बी के 4, ये 2 अगर यहां से कॉमन निकालें तो 4a स्क्वायर, अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहां साइन थीटा है, इज इक्वल टू ये 600 अपोजिट साइड है तो 600 इंटू a कॉस थीटा। इस इक्वेशन में a की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मेरे लिए थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको k अननोन हो सकता है थीटा अननोन हो सकता है a अननोन हो, तो क्वेश्चन कैसा भी हो उसकी जो बेसिक मेथोडोलॉजी रहेगी वो यही रहेगी कि सबसे पहले आप सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लो, उसके बाद सिस्टम को एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दो। लेकिन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देने से पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को पहले स्प्रिंग फोर्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसको वर्चुअली डिस्प्लेस करो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देके उसकी टोटल वर्क डन की इक्वेशन लिखो। वर्क डन में आपके पास हर पॉइंट का अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा, बट सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होता है, तो आप किसी भी एक टर्म में सबको रिप्लेस कर सकते हो। मैंने यहां पर थीटा को चूज किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि जितने भी पॉइंट्स आपने लिए थे उन सारे पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट लिखे, उन कोऑर्डिनेट्स को आपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक वेरिएशन दिया मतलब आपने उसका डिफरेंशियल किया और डिफरेंशियल करके आपने वैल्यूज निकाली और फाइनली आपकी इक्वेशन में आपने पुट कर दी। थैंक यू।